जय माता दी। देखिए फ्रेंड्स, नवरात्र शुरू होने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, मैडम नवरात्रों के लिए डाइट प्लान बताइए। तो मैं ऐसा डाइट प्लान आपके लिए लेकर आई हूँ जो केवल आपका बॉडी वेट कम ही नहीं करेगा, आपका वेट ही कम नहीं करेगा, बल्कि बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा। इसका फायदा ये है, बॉडी को डिटॉक्स करने का फायदा ये है कि आपको जो लंबे समय से बीमारी चलती आ रही, जिसकी दवाई आप बहुत समय से खा रहे हैं, और अगर डॉक्टर ने ये भी कहा है कि भाई ये दवाई आपको सारी उम्र खानी पड़ेगी, तो हो सकता है इस डाइट प्लान को फॉलो करने के बाद आप उस दवाई से छुटकारा पा लो। जी हाँ, देखिए लोग बॉडी को डिटॉक्स क्यों करते हैं, ताकि गंदगी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले। उससे फैट तो कम होता ही है, बॉडी का वेट तो कम होगा ही होगा, आपकी स्किन तरोताजा हो जाएगी, आपकी स्किन में एक जवानी झलकने लगेगी, आपकी उम्र पहले से 10 साल पीछे हो जाएगी अगर आप इस तरीके से सिर्फ 8 या 9 दिन तक ये डाइट प्लान फॉलो कर लेते हैं। तो है ना, बॉडी को डिटॉक्स करने कितने सारे फायदे हैं और वेट कम होगा ये तो गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, डाइट फॉलो करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपका वेट कम हो जाए और सिर्फ आपको ये बताना है कि ये खाना इस तरीके से नहीं, ऐसे बना के ऐसे खाना है। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि डाइट प्लान का मतलब ये होता है कि वेट तो कम हो जाए, वो तो ठीक है, आपका जितना आइडियल वेट होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से उतना आ जाए, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको जो बीमारियाँ हैं वो भी आपकी ठीक होनी चाहिए। डाइट प्लान का मतलब वो होता है, बॉडी को डिटॉक्स करे साथ ही साथ और साथ ही साथ आपका वेट कम हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि किचन में घुस के हमेशा कुछ ना कुछ आप बनाते ही रहो। देखिए, अगर हम व्रत रख रहे हैं तो व्रत का मतलब शुरू से ही होता है कि व्रत में फलाहार खाना होता है। चलो नॉर्मल डाइट प्लान आप कर रहे हो तो उसमें तो चलो कुछ भी आप बना के खाएं, हेल्दी बना के खाएं, वो ठीक है, लेकिन व्रत का मतलब क्या होता है, उसमें फलाहार खाना होता है। तो व्रत को व्रत के हिसाब से करना चाहिए। सेंधा नमक का या काले नमक का आपको खाना है तो आप 24 घंटे लगे पड़े, सुबह को भी कुछ ना कुछ बना रहे हैं, दोपहर को भी कुछ ना कुछ बना रहे हैं और शाम को भी कुछ ना कुछ बना रहे हैं। देखिए, जो ये व्रत रखने का प्रावधान शुरू किया गया था हमारे पूर्वजनों, वो इसलिए किया था ताकि हम कुछ समय के लिए नमक को बंद रख सकें, जिससे जो नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी जो ज़्यादा जल को सोख लेती है, हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी भरा होता है, तो कम नमक खाएंगे तो वो पानी भी निकल सके, जो एक्स्ट्रा पानी हमारी बॉडी में भरा रहता है या रहता ही है, तो वो फ्लूड भी एक्स्ट्रा जो पानी है उसको निकाल सके, ये मतलब होता है। तो इसलिए हम व्रत करेंगे, व्रत के हिसाब से करेंगे, कम नमक खाएंगे, नमक सिर्फ एक समय खाएंगे और बाकी जो अच्छी चीज़ें जिससे हमारी बीमारियां भी दूर हो, वेट कम हो, वो चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। तो कैसे आपको करना चाहिए, क्या आपको खाना चाहिए, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सुबह उठ के आपको जो सिंपल पानी है वो जरूर पीना है। ये मत समझिए नहीं जी हम तो 8-10 बजे पूजा करेंगे जब भी पानी पियेंगे। देखिए, अगर सुबह उठते ही आप पानी पीते हैं ना तो आपकी गंदगी अच्छे से क्लीन होती है। तो पानी तो हमेशा ही शुद्ध होता है, वो हर चीज़ को शुद्ध करता है, इसलिए पानी में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो आप पूजा करने से पहले नहीं पी सकते। तो 2 गिलास आपको पानी पीना है। उसके बाद जब आप नहा धो लेते हैं, नहाने धोने के बाद जब आप अपना पूजा पाठ कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको सबसे पहले क्या लेना चाहिए, उसमें आपका वेजिटेबल जूस होना चाहिए। जो मॉर्निंग ड्रिंक है आपका वेजिटेबल जूस, जैसे आप खीरे टमाटर का जूस ले सकते हैं, लौकी का जूस ले सकते हैं, सफ़ेद पेठा आपके एरिया में मिलता है तो उसका जूस ले सकते हैं, नारियल पानी है, नारियल पानी ले सकते हैं। अगर खट्टा आपको किसी तरह का दिक्कत परेशानी आपको नहीं होती है तो आप नींबू पानी आप ले सकते हैं। तो ये मॉर्निंग में आपको ज़रूर लेना है, सबसे पहले ये चीज़ आपकी होनी ही चाहिए अगर आप बॉडी को पूरे तरीके से डिटॉक्स करना चाहते हैं और वेट जल्दी से जल्दी कम करना चाहते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपके सबसे पहले, जो कि विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं, जिसमें हर तरह के विटामिन होते हैं, जो कि आपको सुबह के समय मिलने ही चाहिए ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी आ सके, वो है ताजे फल। तो ताजे फलों की एक प्लेट आपको जरूर खानी है, जिसमें विटामिन सी जिन फलों में होता है तो वो फल जरूर ऐड करें, जैसे कि संतरा हो गया, मौसमी हो गए, या पपीता हो गया, या फिर अंगूर हो गए। तो बहुत सारे फलों में विटामिन सी रहता है, कुछ भी आप ले सकते हैं जो सीजनल फ्रूट होते हैं। एक प्लेट आपको फलों की भर के लेनी है। ये मत सोचना कि नहीं थोड़े से थोड़ा खाना, बस एक ही केला खाना है या फिर बस इतने से ग्रेप्स खाने हैं, नहीं, आप आराम से जब तक आपकी संतुष्टि ना हो जाए तब तक आपको मतलब उतने फल आपने ले लेने हैं। अब बात करते हैं
10 या 10:30 बजे की, अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है। अगर भूख नहीं लग रही है तो सिर्फ आप पानी पियेंगे, प्लेन पानी, ठीक है। अगर आपको भूख लगी है बहुत ज्यादा, तब आप एक केले की स्मूदी बना सकते हैं। जो बड़ा केला होता है तो एक ले लीजिए, अगर बहुत छोटे केले हैं तो 2 केले लेंगे, उसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, कोई शुगर नहीं, कोई जैगरी पाउडर नहीं। उसमें डालेंगे 1 चम्मच सिसमे सीड, यानी सफेद तिल होते हैं वो, 1 चम्मच वो, और 1 चम्मच अलसी के बीज, ये आप ले सकते हैं, व्रत में कोई दिक्कत नहीं होती, वो डाल लीजिए। उससे आपको जो जरूरी विटामिन है वो तो मिलेंगे ही, इसके साथ में जो फैटी एसिड्स होने चाहिए वो भी आपको मिलेंगे, जैसे ओमेगा 3 ओमेगा 6, ये भी आपको मिल जाते हैं अगर आप ये सीड्स भी ऐड करते हैं। लेकिन अगर आप स्मूदी नहीं पी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये जो 1 चम्मच सीड्स मैंने आप बताए, 2 चम्मच ही लेने हैं, तो आप किसी चीज़ के ऊपर भी आप डाल के खा सकते हैं या वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन स्मूदी ले लीजिए। अगर आप वैसे नहीं खा रहे तो थोड़ी स्मूदी बना के ले सकते हैं। चलो ये भी हो गया। अब दोपहर के समय आप 1 प्लेट सैलेड खाएंगे, क्योंकि शुरू में मैंने आपको इसलिए फ्रूट्स दिए ताकि आपका मन अच्छा हो जाए, दिन की शुरुआत एक अच्छी चीज़ों से हो, मतलब आपका दिल भी खुश हो जाए, स्वाद लगे आपको खाने में। तो दोपहर के समय आप सैलेड ले लीजिए, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, कुछ भी सैलेड जो भी आपके घर में हो, प्लेट भर के लेना है, अच्छे से खाना है। ये हो गया आपका, उससे पेट भर जाएगा, तो ये आपने दोपहर के समय ले लिया, उससे आपको ठंडक भी मिलेगी, जैसे गर्मियों का मौसम है तो ठंडक मिलेगी, अंदर से तरोताजा हो जाएंगे। और दूसरी चीज, जिनको कब्ज की समस्या है उनकी कब्ज की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कभी व्रत के समय भी कब्ज की समस्या नहीं होगी। अगली जो 3 बजे आपको लेना है अगला खाना, तो उसमें आप पपीता ले सकते हैं, अगर आपको भूख लग रही है, बहुत ज्यादा भूख है तो थोड़ा सा जैसे कटोरी भर के आप ले सकते हैं, पपीता आप ले लीजिए काट के। अब 4 बजे की बात करते हैं, जब टी का समय होता है, आप अकॉर्डिंग थोड़ी देर बाद में भी ले सकते हैं, जब भी आप चाय का आपका मन होता है, अगर चाय का मन है तो ले लीजिए, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, 1 मुट्ठी आपको ड्राई फ्रूट लेने हैं, चाय पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन ड्राई फ्रूट जरूर खाएं, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट होता है, तो हेल्दी फैट भी आपको मिलता रहेगा फास्टिंग के दौरान, तो आपको वीकनेस नहीं आएगी। चलिए जी अगला चलते हैं। अब आता है हमारा जो इसमें खाने का समय होता, देखिए 6 बजे दिन के 6 बजे, आजकल सूरज जो छिपता है इसी के अराउंड छिपता है, तो उससे पहले, सूरज छिपने से पहले आप अपना जो नमक वाली चीज है, जो भोजन होता है एक तरीके से, वो कह सकते हैं सेंधा नमक का, जो भी हम बनाते हैं वो खा सकते हैं, जैसे कुट्टू की रोटी हो गई, तो कुट्टू के जो परांठे होते हैं, पूरी होते हैं, वो आपको नहीं खाने हैं, ज्यादा तेल घी का सेवन नहीं करना है। फास्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हम पूरा तेल घी पूरी पराठे कुछ भी खा सकते हैं, नहीं जी, आपको अच्छे से अपना फास्ट खोलना है और सही तरीके खाना खाना है, जिसमें तेल घी ज़्यादा ना हो, आलू की मात्रा भी कम से कम रखे। कुछ लोग ये समझते हैं कि बस फास्ट में आलू ही खाते और कुछ नहीं खाते, तो वो कुट्टू की रोटी भी आलू डाल के बनाते हैं, वैसे भी आलू की सब्जी खाते हैं, आलू की सब्जी कम से कम खाइए, इससे बॉडी जल्दी डिटॉक्स होगी, फैट जल्दी से कम करेगी। तो आप कौन सी सब्जी ले सकते हैं कुट्टू की रोटी के साथ, कुट्टी की रोटी में थोड़े बॉईल करके आलू मैश कर सकते हैं, वो थोड़ा सा हो जाएगा, कोई उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सब्जी आप लौकी की ले, पपीते की ले, खीरे की भी बना सकते हैं, ककड़ी की बना सकते हैं, जो भी हरी सब्जी है। फास्ट में सारी हरी सब्जी खाते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि हरी सब्जी नहीं खाते हैं, तो वो हरी सब्जी आप बनाकर खाइए, कुट्टू की रोटी खाइए, या फिर सामक के जो चावल बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, वो भी खा सकते हैं। दही की जगह आप लस्सी ले सकते हैं, जिसमें काली मिर्च डाल लीजिए, और ये ध्यान रखिए ज्यादा रात को ना खाए, ज्यादा रात को लस्सी या दही का सेवन नहीं करते हैं, तो जब सूरज की धूप हो हल्की हल्की सी, तब आप लस्सी ले सकते हैं, दही ना ले, लस्सी का सेवन करें, इससे बहुत जल्दी आपका फैट घटेगा और आपको मन भर के भी आप खाना खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको खाली पेट आधे भूखे ही उठ जाना है, आप पेट भर के खाना खाइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी और ज्यादा से ज्यादा फैट घटेगा, बॉडी डिटॉक्स भी होगी। अब चलिए रात की बात करते हैं। ये खाना तो आपका तब हो गया जो भी आपने नमक वाला खाना खाया है, सूरज छिपने से पहले, सूरज छिपने के बाद की बात करते हैं। अगर रात को बहुत ज़्यादा आपको भूख लग रही है, फिर भी आपको भूख लग जाती है, तो आपको क्या करना है, देखिए फ्रूट्स नहीं खा सकते उस टाइम पे सोने से पहले, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होते अच्छे से, फ्रूट्स खाना भी ठीक नहीं होता रात के समय में। तो आपको क्या करना है, 1/2 गिलास आप दूध ले लेंगे, वो भी मलाई उतार के लेंगे। दूध दही का हम दिन में ज़्यादा सेवन नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, वो रात के लिए बोल रहे हैं जिनको ज़्यादा भूख लगती है। तो दूध लेंगे, बिल्कुल फीका लेंगे, कम चीनी वाला, बहुत कम चीनी डालेंगे, या फिर
थोड़ा सा जगरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लेंगे। और अगर आप हल्दी वाला नहीं लेते हैं तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया हुआ कि दूध को आपको किस तरीके से लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में फैट ना बढ़ाए और आपकी जो फैट है एक्स्ट्रा फैट को भी कम कर सके। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको भूख नहीं है, आपका पेट भरा हुआ है, तो नॉर्मल एक गिलास गर्म पानी पी के आप सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना आपको वीकनेस आएगी ना कोई परेशानी होगी। और जैसे कि मैंने बताया, दिन में दूध दही का सेवन ना करें, चाय कॉफी ज्यादा ना पिए, कुट्टू के पकोड़े तो बिल्कुल ना खाएं, नमक वाले चिप्स जो मार्केट से मिलते बिल्कुल ना खाएं, आपका फैट घटने नहीं देंगे। और ये डाइट प्लान जो मैंने आपको बताया अगर आप फॉलो करते हैं तो ये मेरी गारंटी वाली बात है, ना कोई वीकनेस आपको आएगी, बॉडी अच्छे से डिटॉक्स होगी, स्किन पे चमक आ जाएगी, इसके साथ ही फैट आप ज्यादा से ज्यादा कम कर पाएंगे, वेट आपका बहुत अच्छे से घटेगा, कोई वीकनेस कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये डाइट प्लान आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, कोई समस्या आपको कुछ नहीं, कोई वीकनेस नहीं होगी और ज्यादा से ज्यादा वेट घटा सकेंगे, अपनी बीमारियों को भी दूर कर सकेंगे और स्किन पे एक चमक अलग से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो अगर पसंद आए होगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।